साथियों नमस्कार किसी देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है कि उस देश का जो भावी पीढ़ी है अर्थात हमारे विद्यार्थी उनका विज्ञान शिक्षण प्रयोगनिष्ठ पद्धति से हो प्रयोगनिष्ठ पद्धति अर्थात विद्यार्थी प्रयोग करें करके देखें और जो भी विज्ञान के कठिन अवधारणाएँ हैं उनको प्रयोग के द्वारा निरीक्षण के द्वारा अवलोकन करके और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालें साथियों जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो आपके मन में एकदम से प्रयोग मतलब प्रयोगशाला का चित्र उभरता होगा क्या आपके विद्यालय में प्रयोगशाला है शायद नहीं होगी लेकिन अगर आपके विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है तो क्या हम विज्ञान की पढ़ाई को इतिहास के समान लिख कर या बोलकर कर, कर दें नहीं विज्ञान को जब तक हम प्रयोग के द्वारा नहीं स्पष्ट करेंगे तब तक वह विज्ञान की अवधारणाएं बच्चों को कठिन बनी रहेंगी अब सवाल उठता है कि हम कैसे करें क्या करें जिससे कि बच्चों को प्रयोग करके बताया जा सके आज हमारे साथ इसी समस्या पर इसी संबंध में बात करने के लिए श्री उमेश चंद चौहान जो कि शिक्षक हैं मूलता और अभी वर्तमान में प्रधान अध्यापक हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय बिच्छापुर जिला हरदा में हमारे साथ हैं इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग किए हैं और काफ़ी नवाचार किए हैं आइए श्री चौहान साहब से मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया हुआ है श्री चौहान साहब साथियों नमस्कार यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, तो बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी या बेकार वस्तुएं जो आसपास फेंक दी जाती है वे विज्ञान उपकरणों का विकल्प बन सकती है और उनसे विज्ञान के बहुत सारे प्रयोगों को संपन्न कराया जा सकता है यहाँ ऐसी ही कुछ वस्तुओं का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जैसे उदाहरण के लिए अगरबत्ती का खाली डिब्बा इसके स्थान पर टूथपेस्ट का या अन्य डिब्बों का उपयोग किया जा सकता है इसी तरह से शटल का का खाली डिब्बा इसका भी उपयोग विज्ञान के वैकल्पिक उपकरण बनाने में किया जा सकता है ये हवाई चप्पल आप देख रहे हैं ये अनुपयोगी सड़क पर पड़ी हुई मिली मुझे और उसका संग्रह किया इसका भी विज्ञान के उपकरण बनाने में उपयोग किया जा सकता है इसी तरह से अपने परिसर में लगने वाले फूल फल इनका भी विज्ञान शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है इसी तरह से आसपास कहीं अस्पताल है या डॉक्टर का निवास है तो उनके पास से बहुत सारी इंजेक्शन की खाली शीशियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं इन खाली शीशियों का विज्ञान शिक्षण में बहुत उपयोग किया जा सकता है इस शीशी के यदि हम ढक्कन को लें तो ये ढक्कन भी बहुत उपयोगी है और उससे विज्ञान शिक्षण को संपन्न कराया जा सकता है इसी तरह अगर हम बच्चों के पास देखें तो बालपेन की खाली रिफिल होती हैं ये रिफिल अक्सर फेंक दी जाती है इन खाली रिफिलों का भी उपयोग किया जा सकता है इसी तरह यदि हम अपने आसपास साइकिल की दुकान पर देखें तो साइकिल की दुकान पर साइकिल का ट्यूब हमें मिल जाता है इस साइकिल के बाल ट्यूब का भी हम विज्ञान शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं इसी तरह से साइकिल का ट्यूब जिसके छल्ले काटे जा सकते हैं लोहा काटने की आरी का टुकड़ा एक खाली पुराना बोल्ट रेजर या थर्मोकोल के पुराने टुकड़े या अनुपयोगी जो पैकिंग में निकलते हैं इनका उपयोग किया जा सकता है फ्यूज़ बल्ब ये तरह तरह के फ्यूज़ बल्ब अक्सर फेंक दिए जाते हैं इन फ्यूज़ बल्बों का भी विज्ञान शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है और इनसे कई उपकरण बनाए जा सकते हैं इसी प्रकार से ये डिस्पोजल चाय के पहले इनको फेंक दिया जाता है खाली माचिस कोई प्लास्टिक का गिलास इस तरह की और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम आसपास से एकत्रित कर सकते हैं और उनका विज्ञान शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं विज्ञान के वैकल्पिक उपकरणों को तैयार कर सकते हैं आइए हम इन्हीं या इस तरह की वस्तुओं से कुछ विज्ञान के प्रयोगों को संपन्न कराएं, वैकल्पिक उपकरण तैयार करें सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम प्रकाशीय उपकरण बनाएं। आइए देखते हैं तो साथियों प्रकाशीय उपकरणों के अंतर्गत आइए सबसे पहले हम बनाते हैं पेरिस्कोप पेरिस्कोप अर्थात वह उपकरण जो हमें उन दृश्यों को बताने का सामर्थ्य रखता है जो दृश्य हम हमारी आँखों से सीधे सीधे नहीं देख सकते अर्थात उदाहरण देखते हैं जैसे बंकर हमारे जो सैनिक होते हैं जो फ्रंट पर तैनात होते हैं ये अपने दुश्मनों को देखने के लिए ज़मीन में गड्ढा करके वहाँ बंकर बनाते हैं वहाँ से छुप कर देखते हैं कि हमारी सीमा के पास कोई आ तो नहीं रहा तो कैसे देखेंगे वहाँ पर पेरिस्कोपी वो उपकरण है जो उनके काम आता है इसके अलावा पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी में भी जो हमारे जो लोग सेलर्स बैठे हुए हैं अंदर उनको अगर ये देखना है कि पानी के ऊपर कौन सा जहाज आ रहा है कौन सा जहाज जा रहा है दुश्मनों के जहाज़ तो नहीं है इत्यादि को देखने के लिए भी पनडुब्बी में पेरिस्कोप का ही उपयोग करते हैं सबसे पहले आइए देखते हैं पेरिस्कोप तो चौहान साहब आप ये बताएं कि पेरिस्कोप नाम का जो उपकरण है इसको बनाते कैसे हैं जी थोड़ा बताएं हमको पेरिस्कोप यंत्र को बनाने के लिए हम कोई पुराने अगरबत्ती के डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं इस अगरबत्ती के डिब्बे के मुंह खुले होते हैं इसलिए सबसे पहले हम अगरबत्ती के डिब्बे के मुंह को टेप से गोंद से या फेविकॉल से बंद कर देते हैं इसके बाद अगरबत्ती के इस डिब्बे में हम दो समतल दर्पण लगाएंगे इन दर्पणों को 45 अंश के कोण पर लगाया जाता है बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई होती है पैंतालीस अंश के कोण पर दर्पण को कैसे लगाया जाए इसके लिए मैं एक तकनीक बताता हूँ आपको कि पैंतालीस अंश का कोण किस तरह से बनाया जाए वैसे तो जो है सामान्यतः हम लोग कोण बनाने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं जी आपने यहाँ आप पर चांदे का उपयोग की बात नहीं की जी थोड़ा बताएं कैसे करते हैं पैंतालीस जी। कोण निकाल जी हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग के अगर कर्णों को मिलाया जाता है तो वर्ग के कर्ण मिलाने पर वो पैंतालीस अंश का कोण बनाते हैं हम उसी पैंतालीस हंस के कोण वाले गुण का यहाँ उपयोग करेंगे तो अगरबत्ती के डिब्बे की चौड़ाई को मैं स्केल से माप लेता हूँ इस अगरबत्ती के डिब्बे की जो चौड़ाई है पाँच सेंटीमीटर है अब मैं लंबाई की भुजा में पाँच पाँच सेंटीमीटर पर निशान लगा करके और एक वर्ग बना लेता हूँ इसमें लंबाई की भुजा में मैंने एक रेखा खींच दी है पाँच पाँच सेंटीमीटर पर निशान लगा करके इसके बाद ये एक वर्ग यहाँ पर बन गया है जो पाँच सेंटीमीटर भुजाओं वाला है इस वर्ग के कर्ण को यदि हम मिला देते हैं तो नब्बे अंश के दो भाग हुए अर्थात प्रत्येक कोण पैंतालीस अंश का बन गया अच्छा ठीक इसी तरह से इस डिब्बे के दूसरी ओर भी हम इसी तरह से नाप ले करके और एक वर्ग बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ रेखा खींच रखी है ये रेखा खींच दी अब जिस दिशा में हमने कर्ण मिलाया था इस दिशा में तो इस और भी हम 45 अंश का कोण उसी दिशा में बना लेते हैं इसी तरह से हम इसके निचले सिरे पर भी 45 अंश का कोण बनाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे 5 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में वहाँ पर भी एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग का कर्ण मिलाएंगे अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो कर्ण मिलाया है इसी कर्ण के समानांतर हमें आ, कर्ण बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ये जो वर्ग बना है इस वर्ग के इस इसी दिशा में हम ये रेखा खींच देते हैं ठीक जी ये ताकि इन दोनों समांतर रेखाओं पर दोनों पैंतालीस के कोण हैं और इन पर समतल दर्पण को लगाया जा सके अगर चौहान साहब यही काम अगर बच्चों से हम करवाएं जी तो बच्चों को लंबाई नापना जी की जो दक्षता है वो भी उनमें आएगी जी और कुछ चीज हमने बनाई जी उसी प्रकार से जो जामिति का आपने बताया कि इसको नब्बे डिग्री को डायगोन बनाने से पता चाहिए कौन बनेगा ये जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर होंगे जी हाँ जी जी इसी तरह से हम इसकी दूसरी भुजा की तरफ भी उसी दिशा में एक वर्ग बना देते हैं और उस वर्ग के कर्ण को मिला देते हैं ये हमारे पास में दोनों भुजाओं पर कर्ण आ गए जो पैंतालीस अंश का कोण मिलाते हैं अब इनमें हमें दो समतल दर्पण की पट्टियाँ लगाना है जिनके चमकदार सतह आमने सामने हो तो इसे लगाने के लिए हम चाकू से इन भुजाओं पर लगभग मध्य में दो कट लगा देते हैं जैसे कि इस तरह से ये चाकू को नोक से चुभाया और ये इसको हमने इस तरह से ये जब बच्चे अगर अगर बच्चे ये काम करते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको चोट न लगे जी धार वाली चीज़ हाँ है ये तो मेरे ख्याल से अगर ये काटने का काम शिक्षक पहले करें जी ज़्यादा उचित होगा जी वैसे कागज़ को काटने में अगर ब्लेड की जगह हम किसी भी चाकू का उपयोग करते हैं तो लगने की संभावना कम होती और नोक से इस तरह से हम इसमें काट सकते हैं वैसे ये जरूरी है कि इस सावधानी को रखा जाए जैसे हमने इन दोनों भुजाओं को यहाँ काट दिया है ठीक इसी के विपरीत सतह पर भी हम दो इसी तरह से कट के निशान लगा देते हैं जैसे मैं यहाँ काट रहा हूँ और इस भुजा पर भी यहाँ इस तरह से ये निशान कितनी दूरी तक काटे जाते हैं चाहिए लगभग मध्य में आधे आधे हाँ जी लगभग मध्य में और आपके पास दर्पण की पट्टी कितनी चौड़ी है उसकी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए इस आ, निशान पर काटा जा सकता है अब मैं इसमें जो समतल दर्पण की पट्टियों को फंसाता हूँ सबसे पहले चमकदार जो सतह उसको नीचे की तरफ रखते हुए मैंने जैसे कहा था कि इनको आमने सामने रखना है तो इस सुराख में से हम इसको फंसाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये पट्टी निकल जाएगी यहाँ भी ये कटा हुआ निशान है ये अगर दर्पण की जो पट्टियाँ हैं ये कहाँ मिल सकती हैं

इस पट्टी को लगाएंगे लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी चमकदार सतह इसकी चमकदार सतह की ओर ही हो तो यहाँ पर भी हम इस तर्पण की पट्टी को लगाएंगे ये मैंने इस तर्पण की पट्टी को एक तरफ चुभ दिया है अब दूसरी तरफ भी इसी दर्पण की पट्टी को हम इस तरह से अगर मान लीजिए अगर बस्ती हाँ का डिब्बा थोड़ा कठोर है तो इसको फिर से हम थोड़ा चाकू को घुमा देंगे तो ये फ्री हो जाएगा जी हाँ और ये दर्पण की पट्टी आसानी से इसके अंदर लगाई जा सकेगी इस तरह से ये हो सकता है इसके अंदर एक और कागज की जो परत आती है वो कागज की प्लस्टिक, हाँ प्लास्टिक की पर परत होगी उसके है। कारण ये दिक्कत थोड़ा सा दे सकता है ये काट लिया और इसको नीचे रख के हम इसको इस तरह से दबा सकते हैं ये तो आपने दर्पण लगाने का तरीका बता दिया जी हाँ। लेकिन इसमें जैसे बताया आपने कि हमको दृश्य दिखाई देते हैं जी हाँ। तो हम किस स्थान से देखेंगे जी। और किस स्थान ठीक है आप इसके बारे में अब इसके बाद ये दोनों दर्पण आमने सामने हो गए हमारे पास में मैं इसको थोड़ा सा फिर से काट देता हूँ और अच्छा ये दिक्कत है इसमें ये पॉलीथीन था ये ये दर्पण की पट्टी हमारी इसमें इसका मतलब जो आपने अगरबत्ती का डब्बा लिया है हाँ, उसके अंदर अगर रह गई है उसको निकालना बहुत जरूरी हाँ, है ये साथियों ये कभी कभी हो सकता हाँ, है कि जो डब्बा लिया है उसके अंदर क्योंकि अधिकांश अगरबत्ती पॉलीथीन में पैक होके आती है इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपका अगरबत्ती का डब्बा पूरा खाली हो अन्यथा दृश्य आपको नहीं दिखाई देगा और आपको लगेगा कि अरे हमने इतना तो मेहनत चमकदार सतह के सामने हमें एक खिड़की बनानी होगी तो मतलब इस तरह इस चमकदार सतह के सामने की तरफ तो यहाँ पर हम इसके मध्य में एक इस तरह से निशान लगा देते हैं और निशान लगाने के बाद में इसमें एक आई आकार का इस तरह का कट लगा देते हैं इस तरह बना जी इस तरह आप इसको भी एक तरफ बना दिया हाँ और वैसे ही हम नीचे के साथ बना नीचे के तरफ इस तरफ नहीं इसके ठीक विपरीत दिशा बनाना हाँ। पड़ेगा जी क्योंकि मैंने बताया था कि चमकदार सतह का हमें ध्यान रखना है तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक निशान लिया और ये बना दिया

खिड़की या एक झरोना बाहर, हाँ, बाहर की तरफ ही खुल पाएंगे बहुत आसानी से खुल जाएंगे जैसे मैंने एक पल्ला एक खोल दिया है ये दूसरा पल्ला भी, भी खोल दिया तो खिड़की बन गई इसी प्रकार का जो खिड़की है इसी तरह से हम इसमें दूसरी तरफ भी चाकू से इसको काट करके और यहाँ पर भी खिड़की ऐसे बना देते हैं जी हाँ और ये दोनों खिड़कियाँ बनाने में इसमें चाकू का उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा बहुत सावधानी से करना होगा अन्यथा तेज धार वाला चाकू है तो इससे कटने की संभावना भी होगी इसको ये तो सही कह रहे हैं आप कि चाकू हाथ में लगने का डर रहता है ये देखिए इस तरह से इस चमकदार सतह के सामने एक खिड़की बन गई है और दूसरी खिड़की इसके ठीक विपरीत दिशा में खिड़की बन गई अब ये जो खिड़की बनाई है इसका कुछ आकार साइज होता है कि कितनी बड़ी बनाई जा सकती है ये जो दर्पण की पट्टी हमने उपयोग की है इस दर्पण की पट्टी की चौड़ाई के लगभग चौड़ाई चौड़ाई के लगभग जितनी दर्पण की उतनी बड़ी बनाई तो ज्यादा आसानी होगी अब इस पेरिस्कोप ये पेरिस्कोप तैयार हो गया इस पेरिस्कोप का उपयोग जो है हम खंदक में छुप करके या खदान में छुप करके और देखने के लिए अगर मैं देखेंगे इसको देखने के लिए चूंकि हम खदान में या खंदक में छुपे हुए रहकर के उसे देखना चाहेंगे तो ये जो खिड़की है नीचे वाली खिड़की, इस नीचे वाली 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 खिड़की 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 इस से हम देखेंगे और ऊपर को समतल दर्पण पर, पर, हाँ, हाँ, पर प्रकाश या जो भी सामने दृश्य हम देखना चाहते हैं उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए कितनी ऊंचाई पर करना चाहिए जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूं कि इस टेबल के नीचे से छुप करके मैं देखना चाहता हूँ तो ये टेबल से दर्पण जो है ऊपर निकला हुआ रहे तो हम अच्छा, अच्छा, मैं अब जमीन के ऊपर बैठ करके इस टेबल के बाहर जो भी चीज है उनको मैं आसानी से देख सकता हूँ ठीक ये अब मुझे टेस्ट करना है कि आपने जो प्रेस को बनाया है वो वास्तव में काम करता है आप अपनी आंखें बंद करिए हाँ जी और आंखें बंद करने के बाद में इसको हाथ में पकड़ रखिए जी मैंने कोई वस्तु सामने रखी है जी अब खोले अपनी आंखें खोलिए जी। और इसमें देखिए पेरिस्कोप हाँ। के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बताएं क्या चीज है है वो हाँ, आपने पेंसिल की नोक इस पेरिस्कोप के सामने रखी मैं बहुत आसानी से उसको देख पा रहा हूं। अर्थात आपको पेंसिल सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रही हाँ है लेकिन पेंसिल आपको पेरिस्कोप के माध्यम से दिखाई दे रही जी। है जी आप देख रहे हैं निचला हिस्सा और आपको ऊपरी हिस्से में जो भी वस्तु है वो दिखाई दे रही है जी अब मैं वस्तु बदल रहा हूँ आप वही देखते रहे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है हाँ आपने पीले जो फ्रेम वाला एक हैंडलेस सामने रखा है मैं बहुत आसानी से उसे देख पा रहा हूँ ठीक जी धन्यवाद तो साथियों इस तरह से हम एक अगरबत्ती के डिब्बे से दो समतल दर्पण की पट्टियों को लेकर के और एक चाकू की मदद से पेरिस्कोप का एक उपकरण बना सकते हैं और इस पेरिस्कोप उपकरण से हम बच्चों को पेरिस्कोप का सिद्धांत समझा सकते हैं साथ ही थोड़ा पर... सिद्धांत के बारे में बताएं सिद्धांत आखिर किस सिद्धांत पे काम करता है ये जी। कोई आ, जी हाँ। बताएं थोड़ा यहाँ पर भी प्रकाश के परावर्तन का ही नियम लागू होता है जब प्रकाश की किरणें चित्र से बता है सकते हैं इसका हाँ चित्र से अगर एक कागज हो तो मैं उसको चित्र से भी आ, दिखा सकता हूँ वैसे मैं अभी यहाँ आपको वैसे ही समझाना चाहूँगा कि इस दर्पण के सामने से प्रकाश की किरणें चल करके आ रही है जो भी वस्तु या प्रकाश किरणें वो चल करके आ रही है और दर्पण में यहाँ टकराती है टकराती है जी जब दर्पण में टकराती है तो टकराने के पश्चात अब ये चूंकि 45 हंस के कोण से टकरा रही है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये दर्पण से 45 हंस का कोण बना करके टकराएंगे टकरा अर्थात दोनों किरणों में नब्बे अंश का कोण होगा तो ये नब्बे अंश का कोण होने के कारण ये इस अगरबत्ती के डिब्बे के ठीक बीचों बीच चल करके नीचे की तरफ पहुंचती है और नीचे की तरफ पहुंचने के बाद इस दर्पण से जब टकराती है तो पुनः पैंतालीस का, का कौन बन है। का कौन रहा है पैंतालीस अंश का कौन बनने के बाद जब परावर्तित होगी वो प्रकाश की किरण तो फिर पैंतालीस अंश का कौन बनेगा इस तरह से यहाँ पर नब्बे का बना और नीचे के दर्पण पर भी नब्बे कौन बना इस तरह से इस दर्पण के सामने की जो वस्तु थी उसका प्रतिबिंब हमें नीचे के दर्पण पर आराम से दिखाई देता है इसी तरह से, तो से बना सकते हैं। जी थोड़ी सी की है कि जो धारदार वस्तु है अगर आप कागज काट रहे हैं तो उसके लिए आपको बच्चों को सावधानी पूर्वक काम करने का निर्देश देना होगा ये तो हो गई साथियों एक उपकरण जिसको आपने पेरिस्कोप के नाम से जाना और इसका उपयोग भी आपने समझा प्रकाश जी के अलावा भी कोई ऐसे हाँ। उपकरण जिनको हम बना सकते हैं हाँ प्रकाश जी मैं चीज़ों से मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूँगा इसी पेरिस्कोप में कुछ और नया हम कर सकते हैं और वो जो है कि हमारे सब घरों में जब बिजली की फिटिंग कराते हैं तो बहुत सारे बिजली के पाइप के टुकड़े वो पड़े होते हैं तो मैंने यहाँ उसी पाइप के टुकड़े का उपयोग करके एक और पेरिस्कोप बनाया ये काफी मज़ेदार पेरिस्कोप है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेरिस्कोप में मैंने यहां पर जो है और एक एल्बो या बैंड किया है अब इन एल्बो इस, में दोनों तरफ जो कागज पाइप फंसाने के लिए दो चौड़े भाग होते हैं उन चौड़े भागों को मिलाते हुए यहां से अगर हम एक कट लगाते हैं तो वो 45 के कोण पर इसमें को को हाँ, तो इस इस क्या विषय खरा हाँ, है दोनों में इसमें मजेदार बात यह है कि ये अभी तो जो बना है चित्र में एक सामान्य पेरिस्कोप जैसे अगरबत्ती से बनाया था वैसे ही काम करता है लेकिन इसमें मजेदार चीज ये कि जब हम इस पेरिस्कोप के ऊपर ही जो बैंड है या एल्बो है उसको जब घुमाते हैं तो यदि हमने इसको सिर्फ 90 अंश के कोण पर घुमाया है अच्छा, मान लीजिए अगर ये इस दिशा में था तो मैंने इसको घुमा करके ये 45 अंश के कोण पर घुमाया है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब आप सीधा सीधा देख रहे थे वो ऐसा लगेगा जैसे वो लेटा हो जमीन पर ये फर्क होगा यदि हम इसको इस एल्बो को 45 अंश के कोण से नब्बे और आगे घुमा देते हैं यानी 120 अंश हाँ, हाँ, का कोण कर देते हैं तो आपको ताजुब होगा कि वो वस्तु उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है।, है तो इससे एक ना हाँ, को एक मजेदार पेरिस्कोप भी बनाया जा सकता है तो मैं चाहूंगा कि साथियों आप इस तरह का भी एक पेरिस्कोप बच्चों से बनवाए और पेरिस्कोप के यंत्र से वस्तुओं को देखने का आनंद ले धन्यवाद बिल्कुल Y entonces...